गाइस, अगर आपको भी अपना यूनिवर्सल पास निकालना है तो गाइस आज की इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप जनरली 5 मिनट के अंदर अपना यूनिवर्सल पास को निकाल सकते हो। सिंपल अपने नॉर्मली यूनिवर्सल पास निकलने जाओगे तो आप पे आपको जो ना 24 आवर्स का टाइम लगता है, 24 घंटा का टाइम लगता है और उसके बाद आपको यूनिवर्सल पास मिलता है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको ऐसा तरीके बताऊंगा ओनली 5 मिनट के अंदर आप जो ना यूनिवर्सल पास को निकाल सकते हो। यूनिवर्सल पास किस काम पे लिया जाता है आपको ये भी जानना जरूरी है। समझ लीजिए, आपने कलकत्ता डेट पे ट्रेवल करना चाहते हो तो ट्रेन में हो गया या तो बस पे हो गया तो इस आपको अभी जो यूनिवर्सल पास लगने वाला है। और गाइस समझ लीजिए, आपको 24 घंटा का टाइम लग रहा है यूनिवर्सल पास निकलने के लिए। समझ लो आपको अर्जेंटली कल आपको ट्रेवल करना है तो आज आपको अर्जेंटली ट्रेवल करना है। जैसे कि 24 घंटा वेट करोगे तो काफी टाइम होता है। तो गाइस आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें आप जो ना 5 मिनट के अंदर अपना यूनिवर्सल पास को निकल के आप जो ना ट्रेवल कर सकते हो बिना कोई दिक्कत की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कैसे मोबाइल फोन से जो ना यूनिवर्सल पास को निकाला जाता है बहुत आसानी से और बहुत जल्द से। तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कैसे जो ना यूनिवर्सल पास को निकाला जाता है। सो गाइस फाइनली हूँ मोबाइल के स्क्रीन को बात। तो चलिए आज के इस वीडियो पे सीखते हैं कैसे जो ना बहुत जल्द यूनिवर्सल पास को निकाला जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको सर्च बार पर लिखना है एम एई से। तो चलिए फिर से आपको मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर सर्च करना है एम ए एई से, उसके सिंपल GOV यहाँ पे देख सकते हो यूनिवर्सल पास, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके सिंपल आपको जो ना गेट देखिए यहाँ पे नीचे स्टार्ट का बटन है, सिंपल आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करोगे सिंपल यहाँ पे देख सकते हो लिखा है अप्लाई फॉर यूनिवर्सल पास, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसका सिंपल देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। और गाइस देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनिवर्सल पास आप कभी निकाल सकते हो। जैसे कि आपको डबल वैक्सीन हो गया, समझ लीजिए आपने डबल डोज कंप्लीट कर दिया, उसके 15 दिन बाद आप जो है यूनिवर्सल पास को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए वेलकम टू महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल पास। तो अब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपने वैक्सीन लेते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था, यानी कि जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वैक्सीन लेते वक्त दिया था, वही नंबर को आपका पे एंटर कर, ये वाला एरो पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मैंने सेंड कर दिया, उसके बाद सिंपल देख सकते हैं लिखा है प्लीज एंटर द OTP। देखिए मेरा मोबाइल नंबर पे OTP आ गया। तो चलिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे OTP को टाइप कर दूंगा। सिंपल जो है मैं OTP यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। देखिए OTP को जैसे सेंड किया, उसके बाद सिंपल देख सकते मुझे यहाँ पे पूरा फुल यहाँ पे फाइनली नेम देखने को मिला है। देखिए मैंने वैक्सीन लिया, इस नंबर पे जितने भी नेम है और गाइस सभी का सभी नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बस मुझे जो नेम पे यूनिवर्सल पास को निकलना है उसी नेम को ऐसे जो है सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए सिंपल ओ नेम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसका सिंपल देख सकते हो आपका सामने प्रोफाइल यहाँ पे वैक्सीन का जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोफाइल डिटेल को देखना है। डिटेल को देखने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, पे यस पे क्लिक करना है। देखिए जैसे कि आपने यस पे क्लिक करोगे, देखिए आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको एक फोटो यहाँ पे अपलोड करो। तो गाइस आप जो यहाँ पे एक छोटा सा इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो चलिए सिंपल मैं सिंपल गैलरी पे चलता हूँ। गैलरी पे चलने के बाद सिंपल मेरा जो है एक फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए सिंपल जो है मैं फोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसका सिंपल यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि जो है ना आपको यूनिवर्सल पास में जो है ना आपको एक फोटो आएगा। तो चलिए सिंपल देख सो मैंने फोटो को अपलोड कर दिया, उसके बाद सिंपल मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मैं सिंपल जैसे कि कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा, उसके सिंपल पूरा फुल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस आपको फिर से दोबारा आपको पूरा फुल डिटेल को चेक करना है। चेक करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। देखिए आपको जैसे कि दोबारा कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो गाइस सिंपल आपको मैं थोड़ा सा वेट करना है। उसका सिंपल देख सकते लिखा है अप्लाई फॉर यूनिवर्सल पास, तो गाइस सिंपल देख नीचे लिखा देखिए चेक स्टेटस। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस देखिए जैसे कि आपने कुछ भी नहीं किया तो गाइस आपका सामने एक ऑटोमेटिक लिंक आ गया है। तो गाइस देखिए आपको जो ना ना ऐप पे अप्लाई यूनिवर्सल पास करना है, देखिए चेक स्टेटस ये भी कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस सिंपल आपको देखिए ऑटोमेटिक आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, और जैसे कि आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो ना यूनिवर्सल पास अभी डाउनलोड भी हो जाएगा। तो गाइस सिंपल जैसे कि मैं यूनिवर्सल पास देखिए लिंक पे क्लिक किया हूँ और सिंपल डायरेक्टली चला जाएगा क्रोम ब्राउजर में। तो सिंपल जो है यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर ले, तो कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ना मेरा यूनिवर्सल पास जो ना तैयार हो चुका है। गाइस देखिए यूनिवर्सल पास बनाने के लिए कितना टाइम लगा,
टाइम एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और गाइस सिंपल आप जिन्हें पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना यूनिवर्सल पास को डाउनलोड कर सकते हो। अगर सिंपल अगर आप नॉर्मली यूनिवर्सल पास को बनाने जाओगे तो गाइस आपको गूगल से जैसे कि नॉर्मल यूनिवर्सल पास बनाने जाएगा तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लगेगा यूनिवर्सल पास निकलने के लिए। देखिए वहाँ पे जो ना आपको 24 घंटे का टाइम लगता है यूनिवर्सल पास को निकलने के लिए। देखिए देखिए मैंने कितना टाइम में यूनिवर्सल पास निकाला। अगर आपने महाराष्ट्र यूनिवर्सल पास निकालना चाहते हो तो गाइस आप जो है बहुत जल्द आपने इस प्रकार से अपना यूनिवर्सल पास को निकाल सकते हो। तो गाइस देखा कि मैंने जो है ऐसे यूनिवर्सल पास को निकाल लिया हो। उसका सिंबल जिससे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। सिंबल जैसे कि वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपका सामने इस प्रकार आएगा और आप देख सकते हैं पे अपना यूनिवर्सल पास जो है आपने वेरीफाई भी कर लिया। उसके सिंपल आप जो है पे अपने यूनिवर्सल पास को लेके कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो बिना कोई दिक्कत। तो ऐसा हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।